फील्डिंग का स्तर जो आप में जिक्र कर रहे थे बहुत ही अच्छा, और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मुंबई हीरोज की फील्डिंग कोच को, मेरे ख्याल से विनायक सामंत, जो मुंबई के लिए विकेट कीपिंग करते थे और वेस्ट जोन और आसाम वगैरह जाके भी खेले, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता था और उसका एफर्ट दिख रहा है क्योंकि मुंबई हीरोज की फील्डिंग काफी अच्छी हुई है इस गेम में। और बिल्कुल सही कहा आपने समझे, और काफी मेहनत किया विनायक सामंत ने, खुद भी बहुत ही कमिटेड खिलाड़ी थे, काफी साल प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेली है मुंबई के लिए, और जरूर जो स्तर है फील्डिंग का उसका हम जिक्र कर रहे थे उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। सलमान खान काफी अब ध्यान से मुकाबले को देखते हुए, बहुत बड़े सितारे आए हैं इस मुकाबले के लिए दोनों ही तरफ से, दोनों इंडस्ट्रीज से, बॉलीवुड हो या फिर केरला की फिल्म इंडस्ट्री हो। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शब्बीर द्वारा, काफी नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर टारगेट कर रहे हैं ज्यादातर बॉल्स को। अच्छी फील्ड भी लगाई हुई है उन्होंने ऑफ साइड पे, तीन फील्डर जो है बाउंड्री सेविंग पोजीशन में, लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर, डीप कवर पॉइंट, थर्ड मैन। इस वक्त वाइड ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश, और खास कर रहा मुझे लगता है शब्बीर को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रास है, गोदरेज इओन जो ग्रीन अप्लायंसेस पार्टनर है सीसीएल सीजन थ्री के, काफी अच्छा एक उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ है जिसमें कहा जाता है कि सपोर्ट वन वॉट प्रोजेक्ट, जिसमें अगर आप लॉग ऑन करें www.onewattproject.com पे और एक प्रतिज्ञा करें कि आप एक वॉट बिजली बचाओगे जी, और इससे काफी लाभ होता है अंत में, आप बिजली की कटौती करते हैं, बहुत ही बढ़िया इनके प्रोडक्ट्स है गोदरेज जी उनके। और फिलहाल डिस्प्ले पे इस मैदान में इससे बढ़िया गेंद, काफी सावधानी से खेला। एक चीज साफ है, एक चीज जो स्पष्ट नजर आ रही है कि दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा कोई जोखिम नहीं उठा रहे, हालांकि अब गोपन की बात करें उनका जो स्ट्राइक रेट है काफी उम्दा 142 का। आखिरी गेंद देखना होगा ओवर अच्छा फिनिश कर पाते हैं कि नहीं बॉलर शब्बीर। जैसे उन्होंने फील्डर अंदर लाया स्क्वायर लेग का, उसी गैप में से बैट्समैन ने निकाल दिया है कलाई का उपयोग करके एक शानदार शॉट। बूम चिका वाह शॉट, और चार रन मिलते हुए यहां पे कोडियरी को कलाइयों का अच्छा प्रयोग किया।